हरियाणा के रोहतक के विजय नगर में हुए जघन्य हत्याकांड में पिता बबलू पहलवान, माँ बबली, बहन व नानी का हत्यारोपी सोमवार से रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। वहीं अभिषेक के वकील मंगलवार को रोहतक के सुनारिया जेल में मुलाकात के लिए पहुंचे, लेकिन उससे मुलाकात करने की अनुमति जेल प्रबंधक के द्वारा नहीं दी गई। फिर सुनारिया जेल रोहतक में रखे गए आरोपी अभिषेक से मुलाकात के लिए अधिवक्ता मोहित वर्मा को कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर दो दिन सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने अनुमति दे दी है। अधिवक्ता ने दो दिन पहले कोर्ट में एप्लीकेशन दायर की थी। इसमें उन्होंने आरोपी से मिलने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी थी। याचिका पर वीरवार को फैसला आना था, लेकिन फैसला नहीं आया। अब कोर्ट के आदेश के बाद मोहित वर्मा जेल में आरोपी से मुलाकात कर सकेंगे। परिवार के चार सदस्यों की हत्या के आरोपी मोनू के वकील एडवोकेट मोहित वर्मा ने बबलू पहलवान के एक नजदीकी पर जान से मारने धमकी देने का आरोप लगाया है। एडवोकेट ने इस संबंध में आर्यनगढ़ थाना पुलिस को शिकायत दी है। फिलहाल पुलिस इस मामले में आरोपों की जांच कर रही है। एडवोकेट मोहित वर्मा ने बताया कि वे बबलू मर्डर केस में आरोपी मोनू की तरफ से पैरवी कर रहे हैं। इस मामले को लेकर उनके पास बबलू के एक नजदीकी का फोन आया। फोन करने वाले ने कहा कि तुम इस केस से अपना वकालतनामा वापस ले लो, वरना जान से मरवा दूंगा। थाना आर्यनगढ़ पुलिस एडवोकेट मनोज वर्मा की ओर से लगाए आरोपों की जांच कर रही है। वहीं पुलिस द्वारा आज दोनों पक्षों को जांच के लिए पुलिस थाना बुलाया गया। वहीं अभिषेक रोहतक की सुनारिया जेल में सोमवार से अलग बैरिक में बंद हैं, जिससे वकील मुलाकात करेंगे।